दोस्तों, क्या आप भी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप मार्केट में जाकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहाँ पर आप जॉब ढूंढते हैं, या आप अपनी मोबाइल से खुद से मोबाइल में आप भिन्न भिन्न जॉब सर्च करते रहते हैं और आपको कोई जॉब नहीं मिलती, या आप अपने मोबाइल में भिन्न भिन्न समाचार भिन्न भिन्न खबरें देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको समस्या होती है, आप बहुत जगहों पर सर्च करते हैं तब आपको कुछ जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक छोटा सा आसान सा तरीका जिससे कि आप पूरे भारत के सभी अखबारों को, उसके इलेक्ट्रॉनिक पेपर को, ई पेपर को आप अपने मोबाइल में कैसे पढ़ेंगे, आप अपने आपके एरिया में जो भी न्यूज़पेपर चलता है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, या आप कोई पर्सनली जैसे जॉब सर्च कर रहे हैं कोई भी जॉब, तो आपको सारी की सारी जॉब आपको वहां पर देखने को मिलेगी, आप अपने मनपसंद जॉब को भी वहां डेली रोज़ाना देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, बेल आइकन को जबान कर लेंगे तो आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिल जाएगी जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो हाय फ्रेंड, मैं हूँ वीरेन कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज दर्पण चैनल। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो चीज़ें। नंबर एक ये कि आप अपने क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में अखबार जो भी पेपर न्यूज़पेपर चलता है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक पेज ई पेपर कैसे देखेंगे, एक तरीका ये बताएंगे। और दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे कि आप कोई भी जॉब्स आपको कैसे, कोई भी जॉब जो निकलती है उसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे मोबाइल में मोबाइल की स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन के प्रयोग के बारे में बताते हैं कि आपको इसे कैसे यूज करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये एप्लीकेशन आपको कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ई पेपर लिखा हुआ आ रहा है, तो ई पेपर में आपको नीचे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ से अपने मनपसंद लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अन्यथा आप नीचे आइए तो आपको यहां पर सभी अखबारों की सूची देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी अखबार यहां से आपको देखना है सिंपली उस न्यूज़पेपर पर आप टच कीजिए। तो चलिए, जैसे मैं यहां आपको दिखा देता हूं, दोस्तों जैसे मैं यहां हिंदुस्तान पर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐड शो होती है, तो उस ऐड को आपको क्लोज या कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का ये पेज पहला पेज जो कि विज्ञापन जिस पर छपा है ये आपको देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा बैक हो लेते हैं और यहां से किसी दूसरे पेज को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेज पर आप किसी पेज पर जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए, मैं जैसे कि यहाँ पर तीसरे या चौथे पेज को मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर चौथा पेज खुलकर आ गया बहुत आसानी से। दोस्तों, अब आप इस पेपर को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ का पेपर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत आसानी से यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा पेपर देखना है, जो भी आप देखना चाहें तो आप यहाँ से सर्च करके उस पेपर को आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है न्यूज़, तो आप यहाँ और न्यूज़ तत्काल की ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए आप यहाँ न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जहाँ से आपको जॉब सर्च करना। तो दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको एक ऑप्शन जॉब का दिख रहा होगा, तो आपको इस जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जॉब्स के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया टोटल जितने जॉब्स होते हैं, जितने जॉब्स निकलते हैं, वो सारे के सारे यहाँ आपको दिखाई देंगे जो भी निकले होंगे इस समय, पूरी के पूरी आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा जॉब आपको यहाँ से देखना है, और जिसको भी देखना है आप वहाँ पर उस जॉब पर क्लिक कीजिए और उसको पूरी तरह से आप देख लीजिए।
दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको सिलेक्ट कैटेगरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अब कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की जॉब चाहिए, तो वही जॉब फिल्टर करके आपको दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे अब आप देखिए जो भी जॉब के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कौन से जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन से जॉब को आप पूरा जानना चाहते हैं, तो उसमें आप उसके ऊपर टच कीजिए जहाँ पर उस जॉब का नाम दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला जॉब्स है मैनेजर प्रोडक्शन क्वालिटी, तो इस पर हम ऊपर ही यहाँ टच करते हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ देखिए खुल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसका जो टोटल ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी या जहाँ सारी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप आसानी से जो है सर्च कर सकते हैं कोई भी जॉब, टोटल सारे के सारे जॉब्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनेंस वर्ल्ड आदि से संबंधित बहुत सारे न्यूज़ भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस एप्लीकेशन का प्रयोग कीजिए जिससे कि आपको सारी की सारी जानकारी इसी एक एप्लीकेशन से मिल सके। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है ई पेपर्स, आप ई पेपर्स लिख कर जो है सर्च कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पर, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर टच करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसका प्रयोग कीजिए। तो आई होप दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।